फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज भी एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी लेके आ चुके हैं हम आप लोगों के सामने। तो ये देखिए, एक प्लेट में एक पत्ता का गोभी है, पत्ता गोभी, और इधर तीन टमेटोज है, एक छोटू सा है, ये देखिए चेरी जैसा दिख रहा है, और उधर तीन पोटेटोज है। तो इसी का आज हम एक सब्जी बनाने वाले हैं, सिंपल सा। तो इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले पत्ता गोभी को काट लेते हैं, आलू टमाटर दोनों को, और आते हैं। और वीडियो में आप लोग बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। ये देखिए, पत्ता गोभी को अच्छा से काट लिए हैं, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके, और अच्छा से धो लिए हैं। इधर टमाटर और आलू दोनों को लंबा लंबा करके काट लिए हैं, अच्छा से धो लिए हैं। अब इसको तसला में डालेंगे, उसी पत्ता गोभी और आलू को डालेंगे और बॉयल कर लेंगे। टमाटर नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। तो पहले आलू सब डाल दिए हैं, पत्ता गोभी डाल देते हैं, क्योंकि आलू सब नीचे रहेगा तो अच्छा से बॉयल होगा, इसलिए आलू सब नीचे डाल देंगे। उसके बाद पत्ता गोभी डाल देंगे, बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे गैस चूल्हा में। सारा पत्ता गोभी आलू डाल दिए हैं, तो तसला भर चुका है, देख सकते हैं। अब जब बॉयल होगा उसके बाद थोड़ा सा हो जाएगा, अब इसमें नमक डालते हैं। तो नमक डाल दिए हैं, गैस चूल्हा में चढ़ा दिए हैं, अब गैस को ऑन कर लेते हैं और एक ढक्कन ढाल देंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं, तो पत्ता गोभी से पानी निकलेगा, फिर भी थोड़ा सा डाल दे रहे हैं क्योंकि आलू सब है, तो अच्छा से बॉईल हो जाएगा हमें से आलू सब। अब एक प्लेट ढक दे रहे हैं, इधर गैस का फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। अब आते हैं 15 मिनट के बाद, 15 मिनट हो चुका है, अब प्लेट को हटा लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए, सारा पानी सूख चुका है और थोड़ा सा हो गया है। तो बीच में एक बार आके अच्छा से कुछ नहीं चला लिए थे, ऊपर नीचे कर दिए थे आलू और पत्ता गोभी को। अब इसको उतार लेते हैं, प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट में सब्जी को निकाल लिए हैं तसला से। अब इधर तसला को फिर से चढ़ा दिए हैं गैस चूल्हा ऑन करके, गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं तसला को। इधर प्लेट में टमाटर सब है, और इधर दो मिर्चा ले लिए हैं, ये हरा मिर्चा था, सूख गया है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगेगा। तसला भी गर्म हो चुका है, इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल डाल दिए हैं, थोड़ा सा डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। अब इसमें मिर्चा सब डाल देते हैं, मिर्चा सब भी डाल दिए हैं, देख सकते हैं। अब इसमें टमाटर सब डाल देते हैं, गलेगा नहीं टमाटर सब, तब तक हम भूनते रहेंगे। तो टमाटर गल चुका है, ये देखिए। अब इसमें हम आलू और गोभी डाल देते हैं। तो अच्छा से कुछ नहीं चला लेते हैं, टमाटर के साथ मिला लेते हैं आलू गोभी को। तो इसमें हम हल्दी भी नहीं डाले हैं और कोई भी मसाला का यूज नहीं किए हैं, मसाला का ही आज सब्जी हम बना रहे हैं, पत्ता गोभी आलू का। तो टमाटर के साथ अच्छा से मिला लिए हैं आलू गोभी को। तो हर रोज मसालेदार सब्जी खा खा उसका लिवर भी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए कभी कभी इस तरह से बिना मसाला का सब्जी भी बना के खाना चाहिए, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई भी मसाला नहीं है इसमें। और ये सब्जी गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टीदार बनता है, इसलिए जो लोग कभी नहीं बनाते हैं वो लोग एक बार बना के और खा के देखिए। बहुत ही सिंपल तरीके में बनाए हैं हम इस सब्जी को, तो आप लोग भी बना सकते हैं। जो लोग कभी बनाते नहीं हैं उन लोग के लिए आज हमने शेयर किए हैं। तो कभी कभी इस तरह प्लेन सब्जी बना के खाना चाहिए हम लोग को। ज़्यादा तेल भी नहीं डलाया हुआ है और एक भी मसाला नहीं डलाया हुआ है इसमें। तो सब्जी बन के मेरा रेडी हो गया है, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं, तसला से निकाल लेते हैं एक प्लेट में सब्जी को। तो तसला से एक प्लेट में निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।